नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। आज मैं आपसे देश की ऐसी 3 खबरों के बारे में बात करना चाहती हूं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसी चीज़ें ट्रेंडिंग पर हैं जो शायद इतनी ज़रूरी ना हो, और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही 3 खबरों पर जो हमें लगा कि आपके सामने रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के उस बयान के बारे में जो उन्होंने मजदूरों की मौत के आंकड़े को लेकर दिया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते अपने घरों की तरफ पैदल चलने वाले कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। कोरोना से अब तक कितने डॉक्टर मर चुके हैं, इसका आंकड़ा केंद्र सरकार इकट्ठा नहीं करती है। लॉकडाउन के दौरान कुल कितनी नौकरियां गईं, ये भी हमें नहीं पता है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत सरकार के ऐसे ही कुछ जवाबों से थी, जिनमें सरकार ने ज्यादातर सवालों के जवाब में कहा कि उसके पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं। सरकार के इन जवाबों को लेकर अब विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट में लिखा, प्रवासी मजदूरों का डेटा नहीं, किसानों की आत्महत्याओं का डेटा नहीं, वित्तीय प्रोत्साहन पर गलत आंकड़ा, कोरोना की मौतों पर भी संदिग्ध आंकड़ा, जीडीपी ग्रोथ पर भी काफी धुंधला डेटा, सरकार ने एनडीए का मतलब ही बदल कर रख दिया है, नो डेटा अवेलेबल। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार से पूछा गया कि कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद पैदल अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश में कितने मजदूरों ने जान गंवाई और क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की कोई योजना बनाई है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में बताया कि उनके पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई भी आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजे का कोई सवाल भी नहीं उठता है। प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्ष की तरफ से एक और सवाल पूछा गया था, जिसमें कहा गया कि कोरोना लॉकडाउन के चलते कितने मजदूरों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। साथ ही ये भी पूछा गया कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में भी कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने कहा कि अभी उनके पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत में डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर का नाम दिया था। उनके लिए ताली और थाली भी बजवाई गई थी और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी करवाई गई थी। लेकिन संसद में जब विपक्ष ने सरकार से पूछा कि कोरोना से अब तक कितने डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, तो सरकार के पास इसका आंकड़ा ही नहीं था। सरकार ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितने डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है तो किसके पास है। अचानक लगे लॉकडाउन से पैदल घर की ओर चलने को मजबूर जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, आज मुआवजा देते समय उनका भी आंकड़ा नहीं। इससे ऊपर कोरोना वॉरियर्स के मौत के आंकड़े से भी सरकार ने मुंह फेर लिया। हमारे देश को दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, फिर भी आज सरकार के पास न विपक्ष के सवालों के जवाब हैं और न जनता के सवाल। और हम सबको ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हमारा देश किस ओर बढ़ता जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सारे आंकड़े गए कहाँ, और अगर ऐसे ही तमाम आंकड़े जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तो सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता कहाँ है। ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा। अगली खबर जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है देश भर में बढ़ता आत्महत्याओं का सिलसिला। होनहार फिल्म अभिनेता की खुदकुशी के मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल देश भर में 1.39 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। खुदकुशी करते हुए जान देने वाले लोगों में 93,000 ऐसे नौजवान थे जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक कारणों से अपनी ज़िंदगी का सफ़र बीच में ही ख़त्म कर दिया। 2019 में आत्महत्या से मरने वालों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 70.2 के मुकाबले 29.8 रहा। मरने वालों में 97,613 पुरुष थे और उनमें सबसे ज़्यादा संख्या 29,092 दिहाड़ी पर काम करने वालों की थी। 14,319 पुरुष स्वरोजगार में थे और 11,599 बेरोजगार थे। कम से कम 2,851 आत्महत्या के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार पाया गया। बेरोजगारी और भी बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि आत्महत्या से मरने वालों में कम से कम 14,019 लोग बेरोजगार थे। ऐसे सबसे ज़्यादा मामले कर्नाटक में सामने आए, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात में।
ऐसे में हम देश के मौजूदा हालात पर बात करें तो यकीनन आंकड़े और डराने वाले होंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश भर में बेरोजगारी के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, जिस पर भी केंद्र सरकार चर्चा करने से बच रही है। साथ ही बेरोजगारी की दर बढ़ने से आए दिन हमें युवाओं की आत्महत्या की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं, पर जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास सटीक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। अर्थव्यवस्था और जीडीपी के नाम पर देश बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसका भुगतान देश का युवा कर रहा है। अब सरकार कब तक इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर कब हमारे देश में युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या नहीं करेगा। खैर, तीसरी खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जीत की, जिनका सोमवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और देश से शायद उन्हें उनकी मृत्यु पर वो सम्मान नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे। आपको बता दें कि इस पूर्व ओलंपियन को 8 मई को निमोनिया और तेज़ बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्हें 3 बार दिल का दौरा भी पड़ा। दिमाग में खून जमने की वजह से वे 18 मई से कोमा में थे। बलबीर सिंह जी ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए थे। किसी ओलंपिक फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने का उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। भारत ने यह मुकाबला 6-1 से जीता था। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। बलबीर जी इस लिस्ट में शामिल होने वाले देश के इकलौते खिलाड़ी थे। इस पूर्व ओलंपियन को 1957 में पद्मश्री दिया गया था। वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। वे 1975 में इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे। सिंह ने भारत के लिए 61 मैच में 246 गोल किए थे। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस फाइनल में बलबीर सिंह ने 2 गोल किए थे। भारत ने यह मैच 4-0 से जीता था। 2018 में इस घटना पर गोल्ड फिल्म बनी थी। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में तपन दास का रोल प्ले किया था। तो बड़ी बड़ी खबरों के बीच या सो कॉल्ड ट्रेंड्स के बीच जब हम ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करना भूल जाते हैं तो यकीनन ये हमारी बदकिस्मती है। मैं मोजो पत्रकार की पूरी टीम की ओर से बलबीर सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और आपसे फिर ये सवाल करती हूँ कि आखिर कब तक देश को पहचान दिलाने वाले ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को हम नज़रअंदाज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार और देश में बढ़ती बेरोजगारी और मजदूरों के आंकड़े पर दिए गए मोदी सरकार के बयान पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मोजो पत्रकार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।